स्टार्टिंग क्लास थर्ड ईवीएस, इट्स चैप्टर सिक्स नेम इज लिव्स इन आवर लाइव्स। देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये आपका सिक्स चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे आसपास की लीव्स होती हैं, ये हमारी लाइफ में कौन कौन सी लीव्स हमें मिलती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, लीव्स इन आवर लाइव्स जस्ट आर देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइप्स के प्लांट्स हैं। There are many types of leaves too. इसी तरह से leaves भी अलग अलग प्रकार के टाइप की पाई जाती हैं। Leaves differ in size, color, shape, size and other features. Leaves जो होती हैं कलर में चेंज होती हैं, shape चेंज होती है, किस साइज चेंज होता है और अदर फीचर भी उनके चेंज पाए जाते हैं। वी नॉट ओनली सी देम ऑन प्लांट बट दे ऑल्सो इंस्पायर डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट टू यूज देम एज प्रिंट्स ऑन देयर पेंटिंग एंड ऑन फैब्रिक्स। हम लोग इसको प्लांट्स को ज़्यादा वैसे गहराई से नहीं देख सकते, मगर जो आपके इस पर डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये जब पेंटिंग करते हैं, प्रिंट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो इस टाइप से अलग अलग तरह के लीव्स को डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीव्स, अब टाइप्स ऑफ लीव्स की बात आती है। सम लीव्स आर राउंड वाइल सम आर ओवल। ज़्यादातर लीव्स, कुछ लीव्स जो होती हैं वो राउंड शेप की होती हैं और कुछ ओवल शेप की होती हैं। सम लीव्स आर लॉन्ग एंड सम अदर आर ट्रायंगुलर। कुछ लीव्स आपकी लॉन्ग होती हैं और कुछ लीव्स आपकी ट्रायंगुलर पाई जाती हैं। वी ऑल्सो फाइंड निडल शेप्ड लीव्स। सम लीव्स आर बिग वाइल सम लीव्स आर स्मॉल। हम लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ लीव्स जो होती हैं वो निडल शेप्ड की भी होती हैं, ठीक है। निडल मतलब जैसे सुई के आकार, आगे देखा होगा आपने नुकीली सी रहती हैं, ठीक है। और कुछ लीव्स आपकी बिग होती हैं, कुछ लीव्स आपकी स्मॉल होती हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं राउंड लीव्स कौन सी हैं, ये राउंड लीव्स है जैसे लोटस का है। ओवल लीव्स में गुआवा की लीव्स होती हैं। लॉन्ग लीव्स में आपकी ये आपके यूकलिप्टस की आती हैं। ट्रायंगुलर लीव्स में आपके पीपल का आता है। निडल लीव्स में आपकी पाइंस की होती हैं। बिग लीव्स आपकी बनाना की हैं और स्मॉल लीव्स आपकी मेथी की हैं। ऐसी आपकी मैपल लीव्स होती हैं और कॉटन लीव्स होती हैं, ठीक है। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर लीव्स जो आपकी ग्रीन कलर की होती हैं। द ग्रीन कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कलर कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, जो जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। सम लीव्स हैव डिफरेंट कलर इन लाइक येलो, रेड, पर्पल। कुछ लीव्स जो होती हैं आपकी डिफरेंट कलर की होती हैं, जैसे कुछ येलो की होती हैं, कुछ रेड की होती हैं, कुछ पर्पल कलर की होती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्पेशल कलर पिगमेंट। ये ऐसा है होता क्यों है कि कुछ लीव्स जो आपकी इस टाइप की पाई जाती हैं, कलर में पाई जाती हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप का कलर पिगमेंट होता है, इसलिए जो इन्हें कलर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेपल लीव्स की रेड है, क्वार्टर लीव्स जो हैं येलो की पाई जाती हैं, और आपको ग्रीन की पता ही है ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है। सम लीव्स चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ सीजन। कुछ लीव्स जो हैं आपकी कलर चेंज करती हैं, कब, जब सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ लीव्स, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लीव्स के बारे में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ लीव्स क्या हैं। इन जनरल ऑल लीव्स हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। सब लीव्स ज़्यादा जनरल में देखा जाए सब लीव्स के पास पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या है? द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीव्स इज कॉल्ड लेमिना और लीव ब्लेड। जो फ्लैट फ्लैट और ब्रॉड पार्ट लीव्स होती हैं, ठीक है, जैसे लेमिना है, लीव ब्लेड है, ये जैसे आप ये फ्लैट पार्ट लीव है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप ये ब्लेड है, लीव ब्लेड ये जो है बीच में, ठीक है। थ्रू द मिडल ऑफ द लीव्स रन्स अ थिन ट्यूब दैट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। अब जो आपकी थिन ट्यूब है, ये दो पार्ट में लीव्स को डिवाइड करती है, ये वाली जो है दो पार्ट में लीव्स को डिवाइड कर रही है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मेन वीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हो बीच में जा रही है, ये मेन वीन्स होती है। देयर आर नंबर ऑफ थिनर ट्यूब्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन वीन। इसमें काफ़ी थिनर ट्यूब्स पाई जाती हैं जो मेन वीन्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो है, ये देख रहे हैं, ये वाली जो लीव्स है ना, ये दिख रहे हैं आपको साइड साइड में से निकलनी है ऐसे, तो ये मेन वीन्स स्मॉलर वीन्स हैं। इनको क्या कहा जाता है, साइड वीन्स कहा जाता है। सम लीव्स हैव वीन्स अरेंज साइड बाय साइड, और कुछ वीन्स जो होती है
साइड बाय साइड अरेंज होती हैं, जैसे ये देख रखे हैं आप, ठीक है। द विंस कैरी वाटर टू द लीफ, जो विंस होती हैं वो वाटर ले जाती हैं लीव्स में। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी थिन पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो लोअर साइड होती है लीफ ब्लेड लीफ की वो से टिनी पोर्स होते हैं उसमें, ये लोअर साइड में टिनी पोर्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। दीज पोर्स कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये जो लीफ वो हैं पोर्स हैं ये आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। द लीफ ब्रीथ इन और एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा, जो लीफ ब्रीथ लीफ कैसे ब्रीथ करती हैं, जो लीव्स हैं वो आपकी कैसे ब्रीथ करती हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करती हैं। इट आल्सो यूजेस द स्टोमेटा फॉर थ्रोइंग आउट एक्स्ट्रा वाटर, इसकी क्या काम करते हैं कि स्टोमेटा से एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको आउट कर देती हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है लीफ के अंदर उससे आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब आता है द फूड फैक्ट्री, लीव्स आर ग्रीन ग्रीन बिकॉज, जैसे मैंने आपको बताया लीव जो होती हैं वो ग्रीन पाई जाती हैं, किसकी वजह से, सिर्फ ग्रीन सब्सटेंस की वजह से जो क्लोरोफिल होता है। ओनली ग्रीन लीव्स है विच कंटेन क्लोरोफिल कैन मेक फूड फॉर द प्लांट्स, सिर्फ ग्रीन लीव्स ही ऐसी हैं जो क्लोरोफिल को यूज़ करके, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो खाना बनाने में मदद करते हैं। फॉर मेकिंग फूड द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, फूड बनाने के लिए रूट्स क्या ये क्या करते हैं, मिनरल और वाटर रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, सॉइल से रूट जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल को। द स्टेम कैरियर कैरीज दीज मटेरियल टू द लीव्स, स्टेम जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, कैरीज करती हैं मिनरल्स को, मटेरियल्स को लीव्स के अंदर। द लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, वाटर की हेल्प से एंड मिनरल की। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है खाना बनाने की, जो फूड के द्वारा खाना बनाया जाता है वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये आपको एक केमिकल इक्वेशन दी है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सच द स्टेम रूट्स फ्रूट्स एंड सीड्स, जो फूड प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा वो अलग अलग पार्ट से कराया जाता है, कुछ स्टेम से करते हैं, कुछ रूट से करते हैं, कुछ फ्रूट से करते हैं, कुछ सीड से करते हैं, ठीक है। सिंस लीव्स प्रिपेयर्ड फूड फॉर द प्लांट दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं, लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती हैं उनको क्या कहा जाता है, लीव्स फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। अब ये किस तरह से करती हैं, देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आके, ठीक है, शुगर बनता है, शुगर जो होता है वो आपका फूड होता है और वाटर निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाती है। अब आता है यूजेस ऑफ लीव्स, वी ईट द लीव्स ऑफ अ प्लांट लाइक कैबेज स्पेनिश एंड मिंट, हम लोग क्या करते हैं, हम लीव्स जो है प्लांट की, कुछ प्लांट्स की लीव्स खाते हैं जैसे कैबेज है, स्पेनिश है, मिंट है। मैनी एनिमल्स टू ईट लीव्स ऑफ प्लांट, ज़्यादातर एनिमल्स जो है वो भी प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं, जैसे जिराफ ईट लीव्स ऑफ द एकिया प्लांट, जो जिराफ हैं वो एकिया प्लांट जो होता है, एकिया प्लांट होता है उसके लीव्स को खाते हैं। कोरेला बियर जो है वो भी इक्यूप्लेटस लीव्स होती हैं, सिल्क फॉर्म जो है वो मलबरी लीव्स खाती हैं, ठीक है। ऐसी बनियान एंड मैंगो लीव्स जो हैं वो डेकोरेशन ड्यूरिंग इंडियन वेडिंग, साउथ इंडियंस ईट फूड ऑन बनाना लीव्स ऑन ट्रेडिशन ओकेशन एंड फेस्टिवल, ठीक है। बनाना एंड मैंगो लीव्स जो हैं वो डेकोरेशन के लिए, जो इंडियन वेडिंग में शादी में इंडियन शादी में यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए बनाना और मैंगो लीव को, और साउथ इंडियंस में क्या करते हैं बनाना के लीव्स पे, वहाँ का एक ट्रेडिशन है कि बनाना लीव्स ओकेशन पे और फेस्टिवल पे क्या करते हैं, बनाना की लीव्स पे रख के खाना खाते हैं। ऐसी बीटल्स लीव्स जो होती हैं वो पान बनाने के लिए काम आती हैं, ठीक है। और पल्सा लीव्स जो है आर स्टिच टू मेक प्लेट्स एंड बाउल फॉर ईटिंग, जो पल्सा लीव्स हैं वो आपके प्लेट्स और बाउल्स बनाने के लिए काम आती हैं, जो खाने में यूज़ की जाती हैं। डेट प्लम जो है लीव्स जो हैं वो रूफ बनाने के लिए काम आते हैं, डेट प्लम लीव्स जो हैं वो रूफ कच्चा हाउस में रूफ बनाने के लिए काम आती हैं, ठीक है। लीव्स सच एज करी पत्ता, करी पत्ता, तेज पत्ता एंड
कशोरी मेथी, ये जो है जो करी पत्ता है, तेज पत्ता है, कशोरी मेथी है, ये आपके फूड में ऐड करने, ऐड फ्लेवर मतलब उसका टेस्ट बदलने के लिए काम आते हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ ऑफ सम प्लांट्स लाइक तुलसी नीम आर यूज टू मेक मेडिसिन, ठीक है। जो ये लीव्स हैं वो तुलसी है, नीम है, ये आपके किस लिए काम आते हैं, मेडिसिन के लिए काम आती हैं, ठीक है। मेहंदी लीव्स आर यूज टू कलर हेयर एंड प्लम, मेहंदी लीव्स जो हैं वो आपकी, मेहंदी तो आपको पता ही है, मेहंदी आपके कलर हम लगाने के लिए काम आते हैं, हेयर में और हाथों में लगाने काम आती हैं, ठीक है। लीफ डिज़ाइन आर आल्सो यूज्ड ऑन टेक्सटाइल, लीफ डिज़ाइन जो हैं, लीव्स जो हैं वो टेक्सटाइल में, वुडन डोर पे, पैनल्स में, ठीक है, और वॉल हाउसेस टू मेक लुक ब्यूटीफुल, घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए काम आते हैं। शेडिंग लीफ, मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स एट लीस्ट वन अ ईयर, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं अपनी लीव्स को एक साल में एक बार जरूर अपनी लीव्स को शेड करते हैं। सम ट्रीज लाइक डेसीडस ट्रीज लूज देयर लीव्स इन एटम टू कट देयर नीड ऑफ वाटर इन विंटर व्हेन वाटर मे बी फ्रोजन, जैसे कुछ ट्रीज हैं डेसीडस ट्रीज है डेसीडस ट्रीज है, ये क्या काम करते हैं, लीव्स लूज को लूज करते हैं एटम में, ठीक है, और विंटर में भी, व्हेन वाटर मे बी फ्रोजन, जब वाटर फ्रोज किया जाता है। इन हॉट प्लेसेस डेसीडस ट्रीज सेट देयर लीव्स आफ्टर लीव्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ ड्राई सीजन, जो डेसीडस ट्रीज हैं वो ड्राई सीजन में अपनी सीड को लीव क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। सम ट्रीज लूज देयर लीव्स एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग और बिफोर विंटर, कुछ लीव्स जो हैं अपनी जो लीव्स हैं उनको स्प्रिंग सीजन में और विंटर सीजन जब आ रहा होता है उससे पहले क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। सम अदर ट्रीज शेड देयर लीव्स ट्वाइस अ ईयर, सम अदर लीव्स होती हैं ट्रीज होते हैं वो साल में दो बार अपनी जो ट्रीज हैं लीव्स हैं उनको शेड करते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं बिफोर, एक तो बिफोर विंटर और एक बिफोर आफ्टर विंटर। ओके, लीव्स दैट फॉल ऑन द ग्राउंड नीड नॉट बी थ्रोन अवे, इंस्टेड वी कैन डिग अ कंपोस्ट पिट एंड कलेक्ट द लीव्स इन इट, लीव्स जो हैं वो ग्राउंड में फॉल होती जाती हैं और उन्हें फेंका नहीं जाता, उसके बाद क्या करते हैं गड्ढे में डाल दो, ठीक है, तो उनका कंपोस्ट बना दिया जाता है। वी शुड स्प्रिकल सम वाटर, अगर हम उन पर वाटर डाल दें तो पिट कवर हो जाएगा, कुछ देर के लिए कवर कर दें उसे, तो जो वेस्ट रोट्स होंगे वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो कि मैन्योर जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि मैन्योर जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके,